कैसे करना है यही नहीं पता होता है। ये बातें ना तो स्कूल में सिखाई जाती हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, और ना ही ये बातों को कॉलेज में सिखाया जाता है, जहाँ पर आप लोगों को केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है और वो है कि जॉब। इसके अलावा और सोर्स के बारे में कोई नहीं बताता है दोस्त, कि आखिर जॉब के अलावा भी और कौन से रास्ते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसे पैसिव इनकम के सोर्स बताएंगे जिसमें बिना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए आप लोग काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की फाइनेंशियल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, इनकम दो तरह की होती है, पहली एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम करते हो तब तक ही आपके पास वहां से पैसा आ रहा है, और यदि किसी वजह से आपका वह काम बंद हो जाता है तो आपका वहां से पैसा आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मोड में आप वहां अब काम नहीं कर रहे हैं। और पैसिव इनकम वो होती है जहां से अर्निंग के लिए हमें वहां पर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। इसका मतलब पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको हर वक्त काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई काम ही नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता, भले ही आपका इनकम सोर्स पैसिव हो पर फिर भी आपको वहां पर कुछ टाइम तो देना ही होगा जिससे उस पैसिव इनकम सोर्स को आप मैनेज सही से कर पाए। कुछ केस में ये टाइम ज्यादा हो सकता है तो कुछ केस में कम। अब ये चीज डिपेंड करती है कि शुरुआत में आप काफी कम अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि शुरुआत में आपने पैसिव इनकम बिल्ड करने में खुद से कितना समय लगाया। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि उनका खुद का एक स्मॉल बिजनेस या साइड हसल एक पैसिव इनकम सोर्स है। भले ही स्मॉल बिजनेस या साइड हसल आपका अपना है, लेकिन जब तक दूसरे लोग उस काम को नहीं संभाल लेते तो वो आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि अभी भी आपको पैसा कमाने के लिए यहाँ भी एक्टिव टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर पैसिव इनकम के सोर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अभी के समय में इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले पैसिव इनकम के सोर्स में आते हैं, जो कि है वेंडिंग मशीन। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि क्या होती है ये मशीन, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहां पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती है। इसमें शुरुआत में आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स या कुछ और खाने पीने की काम की चीज। इसके बाद का पूरा काम वेंडिंग मशीन खुद करती है। समय के साथ वेंडिंग मशीन का यूज बढ़ा है। फॉरेन कंट्रीज में वेंडिंग मशीन का यूज जितना पहले किया जाता था उससे कहीं ज्यादा आज भी किया जाता है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, वेंडिंग मशीन को काफी कम देखा होगा सिवाय मेट्रो सिटीज के। रीजन आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं तो इसके पीछे का कारण ज्यादातर लोगों को एजुकेटेड और अनडिसिप्लिन होना भी है। और आपने देखा भी होगा जो बिना वजह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनके पार्ट्स को काफी बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। और अगर डेटा देखा जाए पास्ट का, तो पिछले सालों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है, कुछ केस सामने भी आए हैं। इसी कारण वेंडिंग मशीन बिल्कुल आपको ना के बराबर कहीं देखने को मिलती है। लेकिन किसी एक की गलती के कारण हर किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो कोई जिम भी हो सकता है, रेस्टोरेंट या फिर शॉपिंग स्टोर भी। अगर हम लोग वेंडिंग मशीन खरीद कर उन लोगों से टाई अप कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में वेंडिंग मशीन रखवा देते हैं, तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी, लॉन्ग टर्म भी आपको वहां से इनकम जनरेट होती रहेगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे पैसे इनकम की ओर, जो है स्टोर अदर्स पीपल स्टफ। कई बार हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा बिजनेस तो होता है, बड़ा बिजनेस होने की वजह से उनके पास प्रोडक्ट्स भी ज्यादा आते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में या फिर फैक्ट्री में ही अपने प्रोडक्ट्स एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में काफी दिक्कतें सामने आती हैं, क्योंकि या तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता या फिर उनके पास स्पेस तो होता है लेकिन वो बाकी जरूरी काम करने के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई पर्सन है जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। कंडीशन ये है आपके पास उसके वेयरहाउस के लिए इतना स्पेस होना चाहिए जो उसके लिए काफी हो। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो रेंट या गेस्ट को रखना पसंद नहीं करते, तो ये फॉर्मूला उनके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब आपकी स्पेस में लोग नहीं रहेंगे बल्कि अब केवल सामान रहेगा, पर उस सामान को रखने के लिए आपको पैसे भी मिलते रहेंगे।
तो हो गई ना पैसिव इनकम। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फायदे की बात तो मैंने बता दी कि वेयर हाउस में अगर आप किसी और का सामान रखते हैं तो किस तरह आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। चलिए रिस्क की बात भी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, किसी दूसरे का सामान है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही हो जाती है। जिम्मेदारी का मतलब जो भी सामान आपके वेयर हाउस में रखा गया है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। इनकेस उसके सामान में कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे पैसिव इनकम के सोर्स की ओर, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास इनफ पैसे भी होते हैं, पर टाइम की कमी की होने की वजह से हम वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। पॉसिबल रीजन हो सकता है आपकी जॉब, आपका दूसरा बिजनेस या फिर आपकी पढ़ाई। अगर आप भी इसे खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ही के लिए है। आप अगर खुद के दूसरे बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जहाँ पर बिजनेस और पैसों में दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। दोस्तों, एक पार्टनरशिप के आपको कई फायदे मिल जाते हैं। पहला तो अगर आप उसे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको टाइम काफी कम खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, आपके एक नहीं बल्कि दो बिजनेस हो जाएंगे। या पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक जॉब प्लस एक बिजनेस हो जाएगा। और तीसरा, एक नया बिजनेस आपके लिए तीसरा पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा। दोस्तों, ये सभी जानते हैं अगर दो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो। जिस तरह से आप उस बिजनेस को संभालते हो तो सामने वाले को भी आपका वो तरीका अच्छा लगे। कई चीज होंगी जो मिसमैच करेंगी, कुछ चीजें आपको उसकी पसंद नहीं होगी, कुछ उसको आपकी। इससे आप दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इससे आप दोनों का बिजनेस जरूर ठप हो जाएगा। इसलिए पहले ही आप इसके लिए ऐसे इंसान को चुनें जिसमें आपको ट्रस्ट हो और आपको लगे हाँ भरोसे के काबिल है। दोस्तों पार्टनरशिप करते समय विचारों का मिलना और विजन का सेम होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इससे पहले भी फाइनेंशियल फ्रीडम पर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन्हें देखना ना भूलें, जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाए।